कानपुर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 21 जोड़ों की शादी करवाई जाएगी। इस समारोह की खास बात यह होगी कि इस शादी में जोड़ों को सात नहीं आठ फेरे लगवाए जाएंगे। आठवां फेरा क्यों लगवाया जाएगा, रिपोर्ट देख लेते हैं। सोच बदलती है तो समाज बदलता है, और समाज बदलता है तो परंपरा भी बदल जाती है। महिला सुरक्षा और बेटियों के अधिकार की लड़ाई का ही असर है कि अब हिंदू रीति रिवाज से होने वाली शादी में सात के बजाय आठ फेरे होंगे। ज्यादा बुरा क्या हो रही है वो ना हो, मेन उद्देश्य हमारे यही है। जो जोड़े होंगे उन्हीं से ये संकल्प कराया जाएगा कि ये भ्रूण हत्या न हो। यज्ञ सैनी वैश्य महिला कल्याण परिषद ने इस परंपरा की शुरुआत की है, और 9 मार्च को 21 और जोड़ों की ऐसी ही शादी करा वो इसे आगे बढ़ाने जा रही है। शादी जिसमें होंगे आठ फेरे, एक फेरा वो जो बेटियों के लिए समान अधिकार के सपनों को साकार करेगा। एक आठवां फेरा इसमें जोड़ा है, वो जो आठवां फेरा है वो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए है, क्योंकि ये जो नए जोड़े बनेंगे तो इनसे ये संकल्प लिया जाएगा, क्योंकि यही वधुएं बनेंगी, यही वर बनेंगी, कि अब जो कन्या जो होंगी हमारी वो मारी नहीं जाएंगी। अपनी बेटी उसका कर या फिर लाडली योजना, सरकारी योजनाएं जागरूकता तो ला सकती है, लेकिन उस जागरूकता को असल जिंदगी में उतारने के लिए ये पहल सराहनीय है। समय के लिए कानपुर से नीरज अवस्थी।